कहता का उल्टा चश्मा। अरे जेठालाल आओ आओ, बता सब, जल्दी से छुपा दो इसको। क्या है इसमें? अरे बेन आइटम है। हे हे मत रो, जल्दी से छुपा दो, ये ऐसी आइटम है जो आपके घर में बैन है। अरे बैन आइटम है। हाँ लेकिन इसमें है क्या? जामनगर की कचौरी है, स्पेशल आपके लिए मंगवाई है, जल्दी से छुपा दो इसको। छुपाने की क्या जरूरत है, मैं क्या डरता हूँ क्या अंजलि से? आ जाओ आ जाओ, अरे अरे बैठो, अरे कचौरी है आओ बैठो। मेहता सब क्या कर रहे हैं भाई, अंजलि भाभी ने देख लिया तो मेरा इस घर में आना बैन हो जाएगा। अंजलि घर पे नहीं है, बैठो। अच्छा इसीलिए घर में शेर बने घूम रहे हो आप। वाह 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 वाह, है ना मस्त कचौरी। वाह 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 जेठालाल, मजा आ गया, कमाल की कचौरी। तुम ही मेरे परम मित्र हो। ओ तो अरे गाना मत गाइए, अंजलि भाभी आए उससे पहले कचौरी खा लीजिए। लगता है अंजलि वापस आ गई। ये रखो अपनी कचौरी, मैं आपके लिए लाया हूँ। कौन तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें, रखो अपनी कचौरी। मेहता साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कचौरी कहीं पे भी छुपाओ और घर से बाहर लेके जाओ। तो मैं कहाँ छुपाऊँ अभी? ये काम करो, इस खिड़की से कूद के भाग जाओ। अरे खिड़की से कूद के नहीं भाग सकता मैं, क्यों? अरे बाहर मामू लगे। अरे अब क्या करूं? यहाँ पे छुपा देता हूँ। हाँ छुपा छुपा, सबसे सेफ जगह है। अरे ये तो पोपट लाल है। अरे पोपट लाल यार तुम भी ना। क्या हुआ, मैंने क्या किया? ये कोई वक्त है आने का? तो कितना डरा दिया? डरा दिया? क्या कर रहे थे तुम दोनों? अरे नहीं भाई नहीं, मैं मेहता सब के लिए कचौरी लेकर आया था, वो कचौरी खा रहे थे तो हमको लगा अंजलि भाभी आ गए। नहीं अंजलि भाभी नहीं आई है, मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ? हाँ मेहता साहब मैं आपसे नहीं जेठालाल से मिलने आया हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मैं तुम्हारे घर गया था, वहाँ पता चला कि तुम यहाँ हो। अच्छा कृष्णा बापू जी ने बताया? और कौन बताएगा? अरे जल्दी बताओ ना, क्या काम है जेठालाल से? अरे आप इतनी घाई क्यों कर रहे? अरे भाई उनको कचौरी खानी है भाई। अरे तो खाइए ना, मैं भी मदद करता हूँ। अच्छा तुम भी खाओगे? क्यों कब है? हाँ हाँ कम है, उनको खाने दो पोपटलाल, उनको खाने दो। अब जाइए आप खाइए, आप खाइए, आप खाइए, आप खाइए। हाँ वो बंद कर दो। हाँ अभी तुम बताओ भाई क्या क्या काम है मेरा? मैं ये सोच रहा था कि कल दिवाली है ना। हाँ तो? तो मैं ये कह रहा था कि मेहता साहब एक कचौरी इसको भी दे ही दो ना। नहीं नहीं दे दो क्या दे दो भाई, मुझे नहीं खानी है, ये कम है ना, खाइए आप। हाँ तो क्या कर रहे थे, कल दिवाली है तो? तो मैं ये कह रहा था कि अभी तक बाहर बांबू लगे हैं, कल तक काम खत्म होगा कि नहीं? मुझे क्या पूछ रहे हो, भीड़े से पूछो भाई। अरे भाई भीड़े को पूछने की जरूरत नहीं है, वो जो भी काम अपने हाथ में लेता है उसे समय से पहले पूरा करता ही है। अरे करना ही पड़ेगा, कोरोना की वजह से 2 साल के बाद सबको एक साथ दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है, अगर काम खत्म नहीं हुआ तो सबकी दिवाली बिगड़ेगी, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं भीड़े पर बॉम्ब बन के फूटूंगा। पोपटलाल चिंता मत करो, गोकुलधाम वासियों की दिवाली खराब नहीं होगी। सबको हैप्पी दिवाली। काम मस्त हुआ है, बस अब ये पर्दे हट जाए और बांबू निकल जाए तो ये गोकुलधाम सोसाइटी चमकने लगेगी। तेरा काम देख के सब दंग रह जाएंगे मेरे दोस्त। एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? बांबू निकालने वाले मजदूर आज नहीं आ पाएंगे। क्या? हाँ क्यों? एक मिनट,
उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? ये बाम्बू पर्दे, ये रोस्टम, ये सब कैसे निकलेंगे? हम तीन लोगों से तो ये सब हो नहीं पाएगा, हमारा वचन नहीं पूरा होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि भीड़े भाई को क्या बताएंगे, कितना भरोसा था उनको हम पे, अब उन पे बिजली गिरेगी। काय हो? क्या सोचकर इतना खुश हो रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ माधवी के कल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरी तारीफ करेगी। दिवाली के पहले सोसाइटी में कलर काम खत्म करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी और वो जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई। वाह 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 वाह। कल देखना माधवी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी मेरे लिए ऐसी ही तालियां बजाएंगे। और ये सब राजू बाबू की वजह से हुआ है। उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। अरे राजू भाई, बाबू भाई, आइए आइए। 100 साल जिएंगे आप। अभी ये आपकी तारीफ कर रहे थे कि आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और वो भी दिवाली के पहले। हो कि नहीं हो? बात क्या हुआ बाबू? राजू दोनों खुश क्यों नहीं लग रहे हो? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं समझा नहीं, सोसाइटी में जो कलर का काम था वो अच्छे से खत्म हो गया ना? नहीं नहीं, कलर तो एकदम मस्त हो गया है। तो वो कलर काम के लिए जो बांबू लगाए थे ना, वो कल तक नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे मतलब? वो जिसको बांबू लगाने और निकालने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना, उसको किसी और कॉन्ट्रैक्टर ने ज्यादा पैसे देके अपने पास बुला लिया, इसलिए बांबू आज रात को नहीं निकल पाएंगे। भिड़े भाई, मुझे लगता है ये सब उसने राजू को बदनाम करने के लिए किया है। पर क्या करते हैं? नहीं ऐसे ही चलेगा, मुझे वो सारे बांबू वाले बांबू बांधे हुए हैं कलर काम करने के लिए, वो निकाल के चाहिए मुझे। बाबू भाई, कोई और नहीं है जो बांबू निकाल के दे? नहीं ना माधवी भाभी, वो सारे कारीगर दिवाली मनाने के लिए गाँव चले गए। नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानता बाबू। तुमने जिम्मेदारी दी थी पूरा काम खत्म करने की, तो बांबू हटाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तभी काम पूरा होगा ना। आहो, उनका प्रॉब्लम भी जेन्युइन है, ऐसा क्या करता है। अरे लेकिन माधवी, कल दिवाली का पहला दिन है, जब सोसाइटी वाले सुबह सुबह घर के बाहर आएंगे तो सोसाइटी में क्या देखेंगे बाबू? बांबू। अरे बोल ना। क्या करूं मैं? क्यों, मैंने बोला कि बिना बीने के काम पूरा हो जाएगा, मेरी नजर लग गई। मैं अभी जाकर सोसाइटी को बोल देता हूँ कि ऐसा ऐसा हो गया। क्या हो? उससे क्या होगा, वैसे भी सब मिलकर थोड़ी ना बांबू निकालेंगे। हाँ हाँ बरोबर है, रात का वक्त है, बांबू खोलने गए और किसी को कुछ लग गया तो। आहो राहुल, आता है सबको बताकर फायदा नहीं है, सबकी रात बिगड़ेगी। लेकिन माधवी, कल सुबह सबको पता चली जाएगा ना, तब क्या जवाब दूंगा मैं? ये जो है सो है, आपने जानबूझ के थोड़ी किया है, आपकी थोड़ी गलती है उसमें। वो बोल रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमने आपका काम टाइम पे पूरा नहीं किया, हम बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दीजिए। अरे अरे अरे, पाँव मत पड़ो भाई, इसमें तुम लोग की क्या गलती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कल का दिन बहुत भारी जाने वाला है देवा, मुझे कल सब के ताने सुनने की शक्ति देना। हमारी वजह से गोकुलधाम वालों की दिवाली खराब हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी भिड़े भाई ने ली थी, अब सोसाइटी वाले उनको ताना मारेंगे।
उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। मार्केट में हमारा तो नाम ही खराब हो जाएगा, कोई हम पे भरोसा नहीं करेगा, कोई हमें काम नहीं देगा, लगता है फिर से हमें दूसरों के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। हमारी वजह से गोकुल धाम वालों की दिवाली खराब हो गई भाई। कल सोसाइटी वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, जब उन्हें पता चलेगा कि दिवाली के पहले दिन ये बाबू ऐसे रहने वाले हटने वाले नहीं है तो वो क्या करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पैक पैक करो, निकलते हैं, चलो। शाहू, कहाँ जाना है? रत्नागिरी। रातों रात भाग निकलते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, किसी के हाथ नहीं लगेंगे, चलो चलो। एक मिनट, आप शांत हो जाइए पहले। अरे क्या शांत हो जाइए माधवी, तुमने सुना ना बाबू चिपके क्या बोल के गया, सोसाइटी में लगे हुए बाबू और कपड़ा वैसे ही है, निकले नहीं अभी तक और निकलने का कोई चांस भी नहीं है, निकलने वाला भाग गया। अरे कल दिवाली है, दिवाली तक निकलने वाला था ना सब कुछ। हे बका, टेंशन तो मुझे भी है, लेकिन देखा जाए तो इसमें आपकी गलती नहीं है माधवी। ये तुम समझती हो, लेकिन सोसाइटी वाले ऐसा नहीं समझेंगे, वो तो मेरी बात सुनेंगे भी नहीं, वो तो यही बोलेंगे ना तुमने जिम्मेदारी ली थी तो काम खत्म क्यों नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ पे रहा ना तो कल दिवाली में पटाखों की जगह मुझे फोड़ेंगे लोग, यहाँ से निकलने में समझदारी है, चलो चलो चलो। चाहो काय बोलता है तुम्हें, कब तक भागेंगे आप? देखिए अभी ना शांति से सो जाइए, कल का कल देखेंगे हम लोग। अरे माधवी अभी ऐसे में क्या खाक नींद आएगी मुझे, तो अभी क्या कर सकते हैं हम। गणपति बाप्पा मुझे शक्ति देना। हाँ देवा, इनको शक्ति देना कि ये सोसाइटी वालों को सच बता सके। नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोलने के लिए शक्ति नहीं मांग रहा हूँ, मैं शक्ति इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं कुंभकर्ण की तरह महीनों तक सो सकूँ, आज मैं सो जाऊँ तो अगली दिवाली में उठूँ, तब तो बाबू निकल ही जाएंगे ना। काय होते है तुम्हारा, मैं काय म्हणते आपको ना सर की मालिश कर देती हूँ आपको राहत मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, जितने बच्चे कुछ बाजे वो भी निकल जाएंगे। काय बोल, जो हो गया सो हो गया, देखिए अभी भगवान का नाम लीजिए और सोने की कोशिश कीजिए, नींद आ जाएगी आपको। हाँ चलो। भिड़े मास्टर, जल्दी से नीचे आओ। आ भिड़े, अरे बाहर आओ भिड़े। आजवराम, ओ आजवराम। अरे भिड़े नीचे आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। ओ भिड़ू, ओ कितने हैं तू, ओ बाहर आ जल्दी। हमें पता है तुझे हमारी आवाज सुनाई दे रही है, अभी क्या अभी नीचे आ वरना हम लोग आते हैं ऊपर। आहो आहो, उठिए उठिए। माधवी मैंने क्या भयानक सपना देखा अभी, मैंने देखा कि सारे सोसाइटी वाले मेरा नाम लेके चिल्ला रहे, मुझे नीचे बुला रहे। ए, ऐसे ही आहो, सपना नहीं है हकीकत है, क्या सब बुला रहे हैं आपको। आत्मराम चुप के घर मत बैठ, बाहर आओ। बाहर आने, तेरा स्वागत करने के लिए हम सब इधर जमा हैं। स्वागत के लिए जमा मतलब मेरी तेरी पब्लिक धुलाई होने वाली है आज। क्यों, काय बोलता है, गुंडे थोड़ी है वो, सोसाइटी के मेंबर्स है। माधवी दिवाली का पहला दिन है, मैंने काम खत्म करवाने की जिम्मेदारी ली थी और मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, इससे सब गुस्सा है। घबरू नका, नीचे चलकर बात कर लेते हैं, चलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं आने वाला नीचे, बिल्कुल नहीं आने वाला घर के बाहर। ओ वो लोग बुला रहे हैं आपको, मैं क्या बोलूं उनको? उनको बोल देना मैं सो रहा हूँ। पूरी सोसाइटी को पता है एक मेरा सेक्रेटरी जल्दी उठता है, कौन विश्वास रखेगा मेरे बात पे? तो बोलता हूँ मैं घर पे नहीं हूँ। और कहाँ गए बोलो? बोल देना मैं हिमालय चला गया, संदेश ले लिया मैंने। वो काय गड़बड़ता है, माता तेरी विचार करा बोला चादी, और आप जिंदगी भर यही घर पे बैठने वाले हो क्या? कभी सामना नहीं होगा, कभी मिलोगे नहीं आप उनसे, काय बड़बड़ता है, उठा आता। चलिए देखिए एक बार बात कर लीजिए उनसे, टेंशन चला जाएगा। नहीं 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 माधवी, नहीं मैं नीचे नहीं जा सकता। तो भाई चलो। अरे जरा सोचो माधवी, आज दिवाली का पहला दिन है, मेरी वजह से सबकी दिवाली खराब होगी, मैंने जिम्मेदारी ली थी ना कि दिवाली के पहले काम खत्म हो जाएगा, मैं नाकाम हो गया।
आपको ऐसा नहीं है। ऐसा ही है माधवी, अभी सबके ताने सुनने की हिम्मत नहीं है मुझमें। और वो जेठालाल, जेठालाल तो मेरे सर पे खड़ा रहकर तांडव करेगा। और पोपटलाल, पोपटलाल की तो अभी इस्तीफा छोटी चीज है, वो मेरा इस्तीफा नहीं मांगेगा, वो कुछ भलता ही करेगा, वो मेरे पे अटैक करेगा। मैं नहीं जाने वाला नीचे बिल्कुल भी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो आपकी गलती नहीं है, बाबू भाई और राजू भाई की गलती है इसमें। वो बराबर है माधवी, लेकिन कॉलर उठा के मैंने ही बोला था ना कि दिवाली के पहले काम खत्म करवाने की जिम्मेदारी मेरी। देखिए अभी जो परिस्थिति है उसका सामना तो करना पड़ेगा ना। चलिए नीचे जाके सबसे बात करिए और जाते ही माफी मांग लीजिए आप। हाँ ये बराबर बोला तुमने माधवी, नीचे जाते बराबर सबसे माफी मांग लूंगा और डायरेक्ट इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा कुठून आला मदेस? क्योंकि मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और मेरे जिम्मेदारी थी काम खत्म करने की, जिसमें मैं नाकाम रहा तो मेरी जिम्मेदारी बनती, मेरा फर्ज बनता है इस्तीफा देना। और क्या है कि अपनी गलती मान लेने से सामने वाले का गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है। मैं हथेरी डाल दूंगा तो सामने वाला अटैक करेगा ही, मतलब कुछ बोलेगा ही नहीं ना। चलो चलो चलो, एक मिनट, सोनू कहाँ है? वो सो रही है। हाँ नहीं नहीं अच्छा है, उसको सोने दो। सबके सामने अपने बाबा को शर्मिंदा होते हुए देखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। चलो चलो। ऐसे ही जाएंगे आप? कुर्ता घला? ये कुछ ज्यादा ही नया है, नीचे कुछ भी हो सकता है, फटवट गया तो? काय बोलता है, काय तरी घाला ना काय ते लवकर। हाँ ये ठीक है, ये फो मुझे जरूर उठा के लेके जाने के लिए आया है। कुछ भी बोल रहे हो, हिम्मत रखिए जरा। एक तो आपकी गलती नहीं है और फिर भी आपने कहा ना मैं माफी मांग लूंगा, तो मांग लीजिए माफी, फिर देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, पिड़ू दरवाजा खोल। पिड़ू, तूने मुझे देख के दरवाजा क्यों बंद कर लिया? और दूसरी बात, वो हम लोग नीचे तुझे कब से बुला रहे, तू नीचे क्यों नहीं आ रहा? देखो सोनी, देखो जो भी करना है नीचे जाके करते हैं, यहाँ पे घर पे कुछ नहीं चाहिए मुझे। और इसीलिए तो कब से तुझे नीचे बुला रहे हैं, पर तू नीचे नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुझे लेने ऊपर आ गया। हाँ ठीक है, मैं सबके सामने मेरा इस्तीफा दे दूंगा। चलो चल। क्या इस्तीफा? ओए हमें तेरा इस्तीफा नहीं, तू चाहिए। तू चलता है नीचे या उठा के लेके जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। चलो चलो चलो, आ गया आ गया। आओ जी, आ गया। आइटरी गोला। अरे बाप रे, त्योहार का समय और भिड़े बुरी तरह से फंस गया है। गोकुल धाम वासी भिड़े के नाम का अरेस्ट वारंट लेकर बैठे। अचानक से भिड़े एक मेव सेक्रेटरी से मोस्ट वांटेड सेक्रेटरी बन गया। अब बेचारा भिड़े करे भी तो क्या करे, सब कुछ सही चल रहा था कि एन मौके पर भिड़े का अच्छा टाइम पलट गया और सोसाइटी का काम लटक गया। ये टाइम भी बीवी के मूड की तरह होता है, कब कहां कैसे बिगड़ जाए पता ही नहीं चलता। अब भिड़े सोसाइटी वालों को क्या जवाब देगा, क्योंकि काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी भिड़े ने ली थी जिसमें वो नाकाम हो गया। अब फिर भी हिम्मत जुटाकर भिड़े सोसाइटी वालों को सच बताने जा रहा है। अब देखना यह है कि सोसाइटी वाले उसका क्या हाल करेंगे, क्या वो उसे माफ करेंगे या सेक्रेटरी के पोस्ट से साफ करेंगे। सच कहूं तो मुझे भिड़े के लिए बहुत चिंता हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि क्या गोकुल धाम में काम पूरा होगा, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्या हम दिवाली मना पाएंगे। भाई इन सारे सवालों के जवाब तो ऊपर वाला ही जानता है। अब आप भी ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि भिड़े और गोकुल धाम वासियों की परेशानी को जल्द से जल्द दूर करें और कैसे भी करके गोकुल धाम का ये काम पूरा करवा दें। वो क्या है ना, कोविड के 2 साल बाद हम भी आप ही की तरह दिवाली को मनाने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। तो क्या लगता है आपको, काम पूरा होगा, क्या गोकुल धाम वासी दिवाली मना पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.